हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई डोंट नो आई डोंट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन दोस्तों, आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी चेक कर सकते हैं विद महेश्री पाल। दोस्तों 8 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले 7 अक्टूबर 2020 से क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देख लेते हैं क्या था। चलिए दोस्तों देखते हैं उसका आंसर क्या था। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन शुरू किया, जो राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों की विकास परियोजनाओं की डेटा तक पहुंच की अनुमति देगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था 6197 इसका राइट आंसर था, बी इसका सर बिल्कुल सेकंड नंबर जो था वो बिल्कुल इसका राइट आंसर था। चलिए दोस्तों 8 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसको अपने सीएसआर कार्यक्रमों के तहत स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ग्रीन टेक सीएसआर इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीएसआर इंडिया 2020 अवार्ड है दोस्तों, हमको याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को अपने सीएसआर कार्यक्रमों के तहत स्वास्थ्य सेवा, दोस्तों याद रखना है स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ग्रीन टेक सीएसआर इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 7वें सीएसआर इंडिया समिट एवं एक्सपो के दौरान जीएसपी फाउंडेशन की अध्यक्षता सल्लू सिंह जिंदल द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त किया। किसने किया दोस्तों? तो सल्लू जिंदल पुरस्कार द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त किया गया है। दोस्तों हमको याद रखना है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा के संवर्धन की श्रेणी में प्रतिस्पर्धा के लिए विजेता घोषित किया गया है जीएसपीएल को, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में श्री वैभव करंदीकर को मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नियुक्त करने के लिए निम्नलिखित में किसने मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सनोफी इंडिया, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट किसको अक्टूबर 2020 में आभासी रूप से लॉन्च किए गए भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बैडमिंटन ब्रांड एम्बेसडर की यदि हम ट्रांसफॉर्म की बात करें दोस्तों, तो चेतन आनंद इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों याद रखना हमको दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर की 2019 और 2020 की जो बिल्कुल एक 2019 और 2020 के जितने भी ब्रांड एम्बेसडर होंगे दोस्तों, चाहे वो इंडिया के हों और चाहे वो विदेश के हों, सारे के सारे एक वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं जीके एंड जीए के अंतर्गत कराने वाला हूं, तो आप बेफिक्र रहिए दोस्तों, ये हम करंट अफेयर के अंतर्गत कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता, याद रखना है दोस्तों जो चेतन आनंद जी हैं वो कौन है? तो कॉमनवेल्थ गेम के पदक विजेता चेतन आनंद को भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है, जिसे आभासी रूप से 7 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया। आनंद 2006 मेलबर्न CWG में विश्व नंबर 10 और पुरुष एकल 5 पदक जीता था। दोस्तों ट्रांसफॉर्म रैकेट नायलॉन शटल्स जूते और एयरलेस का उत्पादन करता है। ट्रांसफॉर्म याद रखना है दोस्तों हमको, ट्रांसफॉर्म रैकेट क्या है? नायलॉन और शटल्स जूते और एयर एपर रेल्स का उत्पादन करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में वान के ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में किसे चुना गया ताकि दक्षिणी बाजार में पकड़ा बनाई जा सके? दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो राणा दुगुपति इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों राणा दुगुपति के बारे में हमको थोड़ा सा याद रखना है, जो बाहुबली मूवी आई थी उसमें बल्लाल देव का किरदार निभाया था राणा दुगुपति जी ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में दिनेश कुमार खारा को 3 वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भारतीय स्टेट बैंक। क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमको याद रखना है दिनेश कुमार खारा जी को भारतीय स्टेट बैंक का 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष चुन लिया गया है। चलिए दोस्तों समझते हैं थोड़ा, भारतीय स्टेट बैंक के नए 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक दिनेश कुमार खारा को नियुक्त की बनने की घोषणा कर दी है। दोस्तों तो जो भी दिनेश कुमार खारा जी हैं वो किसकी जगह लेंगे दोस्तों? तो वो रजनीश कुमार की जगह लेंगे। हमको याद था कि अभी भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष थे वो रजनीश कुमार जी थे, अब इनकी जगह पे दिनेश कुमार खारा जी आ जाएंगे और 7 अक्टूबर को ये पद छोड़ेंगे, याद रखना है दोस्तों हमको, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक गजानन माल्या ने कितने कर्मचारियों को मैन ऑफ द मंथ सुरक्षा प्रदान किए? तो दोस्तों 45 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, याद रखना है दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने गजानन माल्या है, कौन है? गजानन माल्या ने 45 कर्मचारियों को पुरस्कार से नवाजा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रसार भारती ने निम्नलिखित में से किसके साथ नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को प्रसारित और बढ़ावा देने के लिए एक ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों IEEE इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रसार भारती ने प्रौद्योगिकी नवाचार प्रसार करने के लिए यह IEEE के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कितने रुपये करोड़ में के निवेश से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो दोस्तों 11,000 करोड़ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 29 फरवरी 2024 या अगले आदेश तक के कार्यकाल के लिए BCAS महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों M.A. गणपति जी हैं, जो बिल्कुल राइट आंसर है इसका, कि BCAS याद रखना है, BCAS के महानिदेशक M.A. गणपति जी को नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं पहले राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 में मुंबई के कितने स्टार्टअप को विजेता घोषित किया गया दोस्तों? तो दो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दो लोगों को। पहले राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 में मुंबई के कितने स्टार्टअप को विजेता घोषित किया गया? तो दोस्तों दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों मुंबई के दो स्टार्टअप को पहले राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 विजेता घोषित किया गया था, जबकि तरल टक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने शहरी सेवा श्रेणी में पुरस्कार जीता। स्वास्थ्य देखभाल श्रेणी में कौन ने जीता दोस्तों? तो बेल्दी थेरेप्यूटिक्स ने पुरस्कार जीता। स्टार्टअप की संख्या के मामले में विश्व में भारत का स्थान तीसरा है दोस्तों। इंडेक्स के ऊपर एक वीडियो बन चुकी है हमारी जीके एंड जीए की, डिफरेंट इंडेक्स इंडिया इन 2018 की है दोस्तों। 19 और 20 की दोस्तों एक वीडियो लेक्चर आएगा, बिल्कुल सेपरेट वीडियो लेक्चर, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, उसमें हम और कर लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में टोक्यो में जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ द्विपक्षीय बैठक किसने की? तो दोस्तों हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी ने अभी जापान की राजधानी टोक्यो में उसके विदेश मंत्री तोशिमित्सु के साथ बैठक की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है थॉमस जेफरसन वर्ल्ड का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों अभिनय से संबंधित थे, हमको याद रखना। थॉमस जेफरसन दोस्तों ये कहाँ के हैं? दोस्तों ये अमेरिका के, हमको याद रखना है। अभिनेता थॉमस जेफरसन वर्ल्ड का 70 साल की उम्र में निधन हो गया, अटलांटा जॉर्जिया में निधन हो गया। कहाँ हो गया दोस्तों? अटलांटा जॉर्जिया में निधन हो गया। अटलांटा पुलिस विभाग द्वारा मीडिया को बताए गए एक बयान के अनुसार मौत एक स्पष्ट शूटिंग का परिणाम है। थॉमस जेफरसन वर्ल्ड एक अमेरिकी चरित्र अभिनेता थे जिन्होंने निर्देशक स्पाइक ली कई फिल्मों में अभिनय किया, याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने कितने विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप्स और इनक्यूबेटर्स के लिए अपने पहले राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों इसमें 12 लोगों को घोषणा की गई है, 12 लोगों के पुरस्कारों के विजेता की घोषणा की गई है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अक्टूबर 2020 में विराट कोहली T20 क्रिकेट में कितने रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं दोस्तों? तो 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं दोस्तों। देखते हैं थोड़ा, विराट कोहली T20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं दोस्तों, याद रखना हमको। उन्होंने चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मैच में दुबई में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, ये याद रखना है, किसके खिलाफ उन्होंने 9000 रन बनाए हैं दोस्तों? तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाए हैं, ये पेपर में बहुत पूछा जाना है दोस्तों। खिलाफ मैच नंबर 19 में यह मुकाम हासिल किया। बात करें हम दोस्तों कि भाई T20 की सर्वकालीन स्कोर सूची में 7वें स्थान पर हैं, जिसमें क्रिस गेल सबसे ऊपर है। कौन है दोस्तों सबसे ऊपर? क्रिस गेल है, याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने कितने राज्यों में 6 स्थल पर डॉल्फिन सफारी सहित डॉल्फिन आधारित इको टूरिज्म कार्यक्रम शुरू किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, याद रखना दोस्तों, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने 3 राज्यों में 6 स्थलों पर डॉल्फिन सफारी सहित डॉल्फिन आधारित इको टूरिज्म कार्यक्रम शुरू किया। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है। कैपिटल की बात कर लें दोस्तों हम, तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ हो गई, बिहार की पटना हो गई, पश्चिम बंगाल की कोलकाता हो गई दोस्तों। गंगा प्रहरी, प्रशिक्षित स्वयंसेवक इन स्थलों पर पर्यटकों को गंगा नदी में डॉल्फिन देखने के लिए नाव की सवारी पर ले जाएंगे। इसके अलावा एक नया अभियान और शुरू किया गया दोस्तों, मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन भी लॉन्च किया गया, याद रखना है। तो कहाँ कहाँ लॉन्च किया गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कर्नाटक सरकार ने हुबली में एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्यूरल्स गुड्स क्लस्टर विकसित करने के लिए ASSEZ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कितने रुपये करोड़ों की मंजूरी दे दी है दोस्तों? तो 3540 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 3540 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। बात करें दोस्तों हम कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों? बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, जर्मनी के रेनहॉर्ट जेन जेल और अमेरिका के एंड्रिया गेज ने 2020 के लिए किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता दोस्तों? तो भैया इनको मिला है भौतिकी के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में मिला है? भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों। अभी रसायन विज्ञान का आना बाकी है, साहित्य का आना बाकी है, शांति का आना बाकी है दोस्तों। जीव विज्ञान के अंतर्गत मिल चुका है दोस्तों इन लोग को, जीव विज्ञान के अंतर्गत मिल चुका है दोस्तों। कल की वीडियो में देखा था दोस्तों, जैसे ही इन सबको मिल जाता है रसायन विज्ञान साहित्य और शांति का, उस पर एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो लेक्चर आ जाएगा दोस्तों, तो आप बेफिक्र रहिए। नोबेल पुरस्कार 2018 और 2017 के जो थे दोस्तों, उसकी वीडियो अपने चैनल पे आ चुकी है, जिसने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए जाकर के उसको देखिए। नोबेल पुरस्कार 2017-18 2019 की दोस्तों अपने चैनल पे आ जाएगी और 20 की भी आ जाएगी जैसे ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, याद रखना है रोजर पेनरोज कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं, जर्मनी के हैं रेनहार्ड जेनजेल और अमेरिका के एंड्रिया गेज ने 2020 तक नोबेल पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता है। इन भौतिक वेदों को ब्रह्मांड में सबसे अधिक विदेशी घटनाओं ब्लैक होल के लिए दिया गया है दोस्तों, याद रखना है हमको। इस साल के जो भौतिक
भौतिकी के पुरस्कार दिए गए नोबेल के वो ब्लैक होल के बारे में उनकी खोजों के लिए चुना गया है। एंड्रिया गेज 1901 में पहले नोबेल पुरस्कार के बाद से भौतिकी पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र चौथी महिला बन चुकी हैं दोस्तों, एकमात्र ऐसी चौथी महिला हो गई हैं जिनको भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों देखते हैं 18वां क्वेश्चन। अक्टूबर 2020 में भारतीय तटरक्षक ICG के निम्नलिखित अपतटीय गश्ती जहाजों में से किसका औपचारिक रूप से कट्टुपल्ली में अनावरण किया गया? तो दोस्तों विग्रह इसका बिल्कुल राइट आंसर है, विग्रह इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो इस विग्रह जो विग्रह दोस्तों हमारी ये है, इसका बनाया किसने दोस्तों, इसका हम देख सकते हैं विग्रह को जो बनाया था वो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बनाया था। लार्सन एंड टुब्रो हमको याद रखना है, कल हमने दोस्तों इसके बारे में जाना था। भारतीय तटरक्षक बल ICG के 7वें अपतटीय गश्ती जहाज विग्रह का औपचारिक रूप से कुट्टुपल्ली में अनावरण किया गया। लार्सन एंड टुब्रो याद रखना, लार्सन एंड टुब्रो द्वारा निर्मित पोत 2015 में रक्षा मंत्रालय द्वारा कंपनी को अनुबंधित 7 OPV की श्रृंखला का अंतिम है। पहली बार एक निजी क्षेत्र के शिपयार्ड ने जहाजों के अपतटीय गश्ती पोत वर्ग के डिजाइन और निर्माण का कार्य किया है, याद रखना। तो सबसे पहला दोस्तों है ये, पहली बार है याद रखना, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट कंपनी क्या है जिसने बनाया है दोस्तों, तो लार्सन एंड टुब्रो ऐसी एक पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने भारतीय तटरक्षक बल ICG के 7वें अपतटीय गश्ती जहाज को विग्रह को बनाया। किसको बनाया दोस्तों, विग्रह को बनाया, याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में सुवेंद्र उबाल को निम्नलिखित में से किसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया को चुना गया है दोस्तों, सुवेंद्र उबाल को किसके रूप अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्वेरीज ऑफ इंडिया दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे 19 क्वेश्चन हमारे 8 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर 19 के अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में देने वाला हूँ। तो क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में इस तरह से है, गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है, डिजिटल सेवा सेतु किस परियोजना के तहत शुरू किया गया? दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। ये हमारे 8 अक्टूबर के करंट अफेयर हुआ क्वेश्चन के थ्रू दोस्तों। क्वेश्चन के थ्रू के अलावा हम कुछ अलग कुछ आज पढ़ने वाले हैं, हमारा डेली से हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एक दैनिक दिनचर्या की पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों, कि हमको हर खबर का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ और दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मिंत्रा के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं दोस्तों, मिंत्रा के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं दोस्तों। ब्रांड एम्बेसडर 2019 और 2020 की एक वीडियो लेक्चर आएगा, सेपरेट वीडियो लेक्चर, उस पर मैं हम दोस्तों एम्बेसडर की बात करेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी हम जो जैसे आते जा रहा है वो उस तरह से हम पढ़ते चल रहे हैं दोस्तों। तो न्यू ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं दोस्तों, न्यू ब्रांड एम्बेसडर, हैप्पी टू अनाउंस माई एसोसिएशन विथ मी। तो दोस्तों अभी जो बीबी की बाइंस जो ऑथर हैं दोस्तों, भुवन बाम याद रखना है दोस्तों हमको, बीबी की बाइंस जो ऑथर हैं दोस्तों, तो बीबी की बाइंस के ऑथर भुवन बाम अभी मित्रा के क्या बन गए हैं, न्यू ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं दोस्तों, हमको याद रखना है, मिंत्रा के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं भुवन बाम। चलिए दोस्तों देखते हैं और कुछ दोस्तों। कल हमने क्वेश्चन किया था मूक बधिरों के लिए NCERT तैयार करेगी डिजिटल पाठ्य सामग्री, उसी की क्लिप है दोस्तों, आप क्लिप देख सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय और सामाजिक अधिकारियों ने नए मंत्री की मौजूदगी में हुआ करार, तो दोस्तों NCERT के साथ करार हो चुका है, मूक बधिरों के लिए डिजिटल सामग्री तैयार करेगी दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है राफेल तेजस ने दिखाया दम दोस्तों, 6 अक्टूबर 2020 को हमारा अभी क्या हुआ है, वायुसेना दिवस था दोस्तों, उसमें देख सकते हैं कितनी बहुत ही दिल लुभाने वाली दोस्तों तस्वीर है, ये देख सकते हैं आप कि राफेल तेजस ने दिखाया दम, आसमान में फैला वायुसेना का पराक्रम। तो दोस्तों ज़मीन पर कदम ताल करती है वायुसेना जवानों ने दिखाया सामंजस्य, नई खोज करो दोस्तों, इसकी जो हमारी थीम थी वो क्या थी, नई खोज करो एकता में रहो दुश्मन को भयभीत कर दो, ये हमारी क्या थी दोस्तों, ये हमारी थी थीम इस साल की वायुसेना की दिवस की। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों वही हमारा कि भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों ब्लैक होल का राज बताने वाले 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों हमको, 3 वैज्ञानिकों को ब्लैक होल अभी हमने क्वेश्चन के थ्रू भी समझा है दोस्तों, तो ब्लैक होल का राज बताने वाले 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। दोस्तों जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं जैसे ही सारे आ जाते हैं उस पर एक वीडियो लेक्चर बन जाएगा, तो आप अभी अमन लेकिन इसी तरह से समझते रहेंगे क्वेश्चन से। तो दोस्तों पुरस्कार पाने वालों की बात करें हम, पुरस्कार पाने वालों में एंड्रिया गेज भी शामिल, रोजर बोले ब्लैक होल बनना सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है दोस्तों। तो दोस्तों समझते हैं थोड़ा सा और हम,
अगले साल से विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए होगा कॉमन टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगले साल से अब विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए होगा कॉमन टेस्ट। जैसे कि अभी हमको इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में एडमिशन लेने के लिए JEE देना होता है दोस्तों, उसी प्रकार से अब हम गवर्नमेंट कॉलेज के ग्रेजुएशन करने के लिए दोस्तों, या अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए हमको दोस्तों अब हम प्रवेश के लिए कॉमन टेस्ट देना होगा। क्या देना होगा दोस्तों? कॉमन टेस्ट देना होगा। बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों ये। स्नातक के गैर तकनीकी और पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए बदलेगी व्यवस्था, और साल में 2 बार होगी परीक्षा दोस्तों, याद रखना है। साल में 2 बार होगी परीक्षा प्रवेश के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। अब से सीधे ही हमको एडमिशन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेजों में, उसके लिए कॉमन टेस्ट होगा जैसे कि JEE होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, क्वाड में भारत ने उठाया संप्रभुता का मुद्दा। अभी क्वाड दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और फ्रांस, इन सब ने मिलकर के क्वाड भारत में मिले हैं दोस्तों अभी, और संप्रभुता का, शांति का भी यह मुद्दा उठाया है। किसने उठाया? ये देखो दोस्तों, अहम गठबोन लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान, याद रखना। कितनी टीमें हैं इसमें दोस्तों, इस क्वाड में? क्वाड में तो 4 टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान, याद रखना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के दूसरे को भी क्वाड समूह में शामिल करना है दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र के दूसरे देशों को। सप्लाई चेन में चीन का वर्चस्व का विकल्प तैयार होगा दोस्तों, तो देख सकते हैं अभी ये सब लोग हैं यहाँ पे, विदेश मंत्री हैं सब देशों के दोस्तों। तो हमारे यहाँ के जयशंकर प्रसाद जी भी गए हुए हैं, तो याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा और दोस्तों यदि समझते हैं हम कि बीते वर्ष भी इसी क्षेत्र में काम करने वाले विज्ञानी हुए थे सम्मानित दोस्तों। पिछले साल भी 2019 में कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के विज्ञान के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, याद रखना है हमको। और ये देख सकते हैं इनके नाम कुछ तरह से, एंड्रिया गेज, देख सकते हैं दोस्तों फोटो, एंड्रिया गेज की ये है, और रोजर पेनरोज की ये है दोस्तों, और रेनहोल्ड जेलजेल की ये है। चलिए दोस्तों और समझते हैं वैज्ञानिकों का परिचय की यदि हम बात करें तो, एंड्रिया गेज अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की रहने वाली हैं और लॉस एंजलिस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर हैं। जर्मनी निवासी रेनहोल्ड जेंजेल अमेरिका स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं, जबकि रोजर पेनरोज इंग्लैंड के हैं और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, याद रखना है। तो दोस्तों फिजिक्स का नोबेल पाने वाली गेज चौथी महिला, ये भी याद रखना, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पाने वाली चौथी महिला हो गई हैं दोस्तों। चौथी महिला हो गई हैं कौन? गेज, याद रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले 1903 में पहली बार मैरी क्यूरी को दिया गया था, याद रखना है हमको। थोड़ा सा बैक भी हमको याद होना चाहिए कि सबसे पहले महिला को नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के मामले में मैडम क्यूरी को दिया गया था। इसके बाद 1963 में मारिया को दिया गया, और दोस्तों गोइपर्ट मेयर को दिया गया। वर्ष 2018 में डोन्ना स्किटलैंड को दिया गया, स्टिकलैंड को दिया गया यह पुरस्कार मिला दोस्तों। एंड्रिया ने कहा है कि वो जैसा लगता है इस पुरस्कार की घोषणा के बाद अन्य युवा महिलाएँ भी इस क्षेत्र में काम करेंगी दोस्तों। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।